नमस्कार। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे भरें, इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुघोष उपासनी। इस पांचवें वीडियो में मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अगली प्रक्रिया पूरा करने में मार्गदर्शन करूँगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रिपोर्ट सबमिशन को एक सहज और आत्मविश्वासपूर्ण प्रक्रिया बनाते हैं। इस पांचवे और श्रृंखला की अंतिम वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने 3 महीने या 500 आवर्स के व्यावहारिक प्रशिक्षण अनुभव को कैसे व्यक्त करें। सभी बिंदु इस मैनुअल से ही एकत्रित किए गए हैं और कुछ स्थानिक रिटेल ओनर से चर्चा करके और कुछ पॉइंट्स इंटरनेट से कलेक्ट किए गए हैं। इससे आपको अपने इस रिकॉर्ड भरने में मदद मिलेगी। अब आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्लाइड को रोकना है, वीडियो को रोकना है और उसे ध्यान से पढ़ना है। ट्रेनिंग आउटकम्स। आपको 3 महीने की ट्रेनिंग में या 500 आवर्स की ट्रेनिंग में जो भी एक्सपीरियंस आते हैं, उस एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सपीरियंस को लिखने में आसानी हो, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बना के दिए हैं। आपको वीडियो को वहाँ पे रोकना है और उस पॉइंट्स को पढ़ना है। कुल मिलाकर 17 पॉइंट्स पर आधारित इस अनुभव को आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस रेटिंग चार्ट। इसे आपको नहीं भरना है, आप जहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो वह मास्टर इसे भरेगा। आपको सिर्फ आपका यहाँ पे नाम फिलअप करना है। इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कुछ अलग अनुभव आता है, अलग ऑब्जर्वेशंस आप करते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशंस को आपका मास्टर आपके बारे में यहाँ पे लिखेगा। जब भी आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है तो आपको असेसमेंट रिपोर्ट एक भरना होता है, जो कि आपके गाइड और आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ के प्रिंसिपल वहाँ पे साइन करेंगे।
रिपोर्ट में आपको क्या भरना है? आपका पूरा नाम, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, एग्ज़ाम सीट नंबर फर्स्ट ईयर का जो कि आपको फर्स्ट ईयर के मार्कशीट में मिलेगा, सेकेंड ईयर का जो कि आपको सेकेंड ईयर के मार्कशीट में मिलेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जहां से आपने शुरुआत की वह तारीख और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समाप्त करने की तारीख, प्रोजेक्ट जब आप कॉलेज में सबमिट करोगे उस दिन की तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको साइन करना है। आपके जो प्रोजेक्ट गाइड है उनका पूरा नाम, जब आपका वाइवा होगा या जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे तब के आपको वहाँ पे तारीख लिखनी है। आपने वाइवा कैसा दिया, आपका वाइवा कैसा रहा, वह सब आपके प्रोजेक्ट गाइड डिसाइड करके आपको यहाँ पे एक्सीलेंट या वेरी गुड या गुड या सेटिस्फैक्टरी या नॉन सेटिस्फैक्टरी करके रिमार्क्स देंगे। उसके उपरांत आपको ग्रेड्स मिलेंगे। उसके बाद आपके गाइड यहाँ पे साइन करेंगे। उसके उपरांत आपके प्रिंसिपल वहाँ पे साइन करके कॉलेज का अटेस्टेशन यहाँ से करेंगे। अगर ये पूरी श्रृंखला वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।